कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सबसे पहले अरिहंत मुद्रा, दोनों कोहनियाँ सीधी, हाथ ऊपर, दोनों हाथ मिले हुए, अरिहंत भगवान के चरणों को छूते हुए आँख बंद करके इस मंत्र का स्मरण करें। ओ स्मरण करने के लिए अपने दोनों हाथ अंजलि नुमा बनाकर आगे निकालें। अपनी हथेलियों पर लोक के अग्रभाग पर विद्यमान सिद्धों को देखें, आंख बंद करें और सिद्ध भगवान की ऊर्जा को अपने अंदर प्रवाहित होता हुआ महसूस करें। तीसरी मुद्रा, आचार्य परमिष्ठियों के आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए अपनी ज्ञान मुद्रा के साथ कंधे के पास अपनी हथेलियों को ले जाएं और हथेलियों को ऊपर करें आसमान की तरफ। चेस्ट बाहर, कंधे पीछे, थोड़ा खिंचाओ कंधों पर। उपाध्यायों की ज्ञान शक्ति को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए दोनों हाथों को साधु परमिष्ठियों को नमस्कार करने के लिए दोनों हाथों को पुनः ऊपर ले जाकर हाथों को मिलाकर धीरे धीरे नीचे लाएं, अपनी कमर को झुकाएं और सिर को जमीन से लगाएं। ढाई द्वीप में जहाँ कहीं पर भी रिद्धिधारी सामान्य मुनि महाराज विद्यमान हैं उन सब के चरणों में नमस्कार करने की भावना। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने घुटनों पर रखें, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आंखें बंद करें। अपनी श्वास को सामान्य रूप से देखें।
अपने नाभि स्थान पर अंतर मन से ओम की रचना देखें। लाल रंग में ओम का स्मरण करें। जैसे हमारे शरीर का ब्लड का कलर होता है, ऐसे ही डार्क लाल रंग में ओम को देखें। ओम का ध्यान ओम के अक्षरों के माध्यम से अपने नाभि स्थान पर ओ अक्षर की आकृति बनाएं, उस पर एक बिंदु देखें। यह ओम का ध्यान आपके ब्लड संबंधी अनेक तरह की जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करता है। निरंतर इस ओम का नाभि स्थान पर लाल रंग में ध्यान करने से अनेक तरह की ब्लड संबंधी बीमारियों से आप स्वतः मुक्त हो सकते हैं। अरहम का ध्यान अपने मस्तक पर करें सफेद अक्षरों में, हा के ऊपर रेफ, अंदर एक बिंदु, सफेद अक्षरों में, बिल्कुल चंद्रमा की तरह सफेद निर्मल अरहम के अक्षरों से सफेद रंग की तरंगों का प्रवाह अपने मस्तक पर महसूस करें। यह अरहम का ध्यान आपके शरीर में किसी भी तरह की और जो फिजिकली बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको दूर करने वाला है। अरहम के ध्यान से आपके शरीर के अंदर एक शुद्ध ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। अब इस मंत्र के साथ इस लाल और सफेद रंग की ऊर्जा का कॉम्बिनेशन इस मंत्र के साथ करें। ओ महसूस करें ओम और अरहम की इन तरंगों से एक अद्भुत शांति। किसी भी तरह का रोग कहीं पर भी है, दर्द है, किसी भी तरह की कोई भी बीमारियां, वात पित्त कफ संबंधी कोई भी दोष, उन सब की शांति के लिए यह अरहम और ओम की तरंगों का फैलाव पूरे शरीर में महसूस करें। जहां रोग है, दर्द है, महसूस करें मैं स्वस्थ हूं,
मेरे रोगों की शांति है, मेरा रोग शांत हो रहा है, मेरा दर्द शांत हो रहा है, मैं स्वस्थ हूँ, तन से मन से चेतना से पूरे शरीर के अंदर चैतन्य प्राण ऊर्जा को महसूस करें। चैतन्य स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम चैतन्य स्वरूपो हम सो हम सो हम सो हम अर हम अर हम अर हम अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाएं, अपने तन को स्वस्थ, मन को शांत और चेतना को निर्मल महसूस करते हुए अपनी हथेलियां घिसें, आँखों पर रखें और अपनी आँखें खोलें। भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करें। मोह महातम दलन दिन तप लक्ष्मी भरतार ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता जाचे शिव फल सार मंगल भवन अमंगल हारी पारसनाथ जगत हितकारी सुख संपत सब ही घर आवे जो भविजन पारस संपत्ति सब ही घर आए जो भविजन पारस गुण गावे सुख संपत्ति सब ही घर आवे जो भविजन पारस गुण गावे। पेज नंबर 19 काव्य नंबर 66 चौपाई पढ़ते हैं। एक दिना निज भ्राता नारी भूषण भूषित रूप निहारी राग अंध अति विहवल भयो तीक्ष्ण काम ताप उर गयो महामलिन उर्वसे कुभाव दुर्गति गामी जीव स्वभाव पुत्री सम लघु भ्राता नारी
निरंकुश होकर के अपनी स्वेच्छाचार के साथ में, अपनी स्वच्छंदता के साथ में आचरण कर रहा था, तभी उसका जो विकृत मनोभाव था वह ना केवल घर के बाहर था किंतु घर के अंदर भी उसे अपने छोटे भाई की पत्नी को देखकर उसके अंदर एक विकृत भाव पैदा हो गया। एक ऐसा भाव जो ज्यादातर सभी मनुष्यों के अंदर वास करता है और ये एक भाव सबसे उत्कृष्ट भाव कहा जाता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं संसार में जिसके अंदर ये भाव ना पाया जाता हो। इस भाव को लोगों ने भगवान तक माना है और लोक व्यवहार में इसको देव के रूप में भी प्रतिष्ठापित किया है। यह वह भाव है जो भाव हर जीव पर अपना प्रभाव दिखाता है और इस भाव से कोई भी जीव इस संसार का बचा हुआ नहीं। आचार्यों ने कहा है यह संसार कैसा है, तो आचार्य कहते हैं ऋषिक राक्षसाक्रांतम स्मर शार्दूल चर्वितम दुखार्णव गतम विश्वम विवेच्य विरतही बुधहि। कहते हैं ये संसार कैसा है, ऋषिक राक्षसाक्रांतम। ऋषिक बोलते हैं इंद्रियों को और इंद्री रूपी राक्षसों से आक्रांत है यहां पर हर जीव, जिसमें स्मर शार्दूल चर्वितम। ऐसा यह विश्व है जिसमें स्मर माने कामदेव, कामाचार यह शार्दूल की तरह चर रहा है, पूरे विश्व के अंदर भ्रमण कर रहा है। प्रत्येक संसारी प्राणी इसी कारण से दुखार्णव गतम विश्वम, दुख के समुद्र को प्राप्त हो गया है। इस संसार में दुख पाने की वजह हर आदमी के अंदर विद्यमान है और वे दो वजह आचार्यों ने कही। एक तो यह अपनी इंद्रियों का नियंत्रण नहीं कर पाता, इंद्री इसी के लिए राक्षस की तरह बन जाती हैं और यह अपना विनाश कर लेता है हर आत्मा हर जीव, इंद्री रूपी राक्षसों से आक्रांत है। इस संसार में इंद्री के विषयों का ही चारों तरफ बोलबाला है और हर आत्मा के ऊपर अगर प्रभाव है तो स्मर शार्दूल का है। शार्दूल एक विशेष जानवर होता है जो सिंह से भी ज्यादा बलशाली होता है। ऐसे काम रूपी उस शार्दूल का प्रभाव हर जीव पर है और हर जीव इसी कारण से दुख को प्राप्त है। इस संसार में और कुछ भी नहीं है, छोटा हो बड़ा हो, आप ये काम भाव हर के अंदर देख सकते हैं और इसीलिए कुछ लोगों ने इसको काम देव तक कह दिया, इसको देवता मान लिया, हार गए इसके आगे। जब इसके आगे हार गए तब उन्होंने इसी को देवता मान करके इसकी पूजा करना शुरू कर दी। किंतु इस कामदेव को जीतने वाले अगर कोई इस धरती पर हुए तो वह तीर्थंकर महापुरुष हुए, जिन्होंने इस कामदेव को भी जीतने का उपदेश दिया और इस विश्व को यह आगाह किया कि इस काम की तुम पूजा मत करो, इस काम से अपने आप को बचाओ।
यह एक ऐसा भाव है जो पूरे शरीर में व्याप्त होकर के उस व्यक्ति के अंदर, उसके मन मस्तिष्क तक पहुंचकर उसकी आत्मा को नरक गति की ओर, अधोगति की ओर ले जाता है। और यह भाव हर आत्मा में हमेशा विद्यमान रहता है। अगर इस भाव को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वह आत्मा, वह जीव पतित होने में समय नहीं लेता। और यह घटना इस विश्व में हमेशा इसी तरह से हर जगह पर घटती रहती है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, एक दिना निज भ्राता नारी। आप सोच सकते हैं, अपने भाई की स्त्री पर भी राग से अंधा होकर के कोई मनुष्य उसके साथ दुर्व्यवहार करने का विचार कर सकता है? इस काम के लिए कोई भी अपना और पराया नहीं होता। इस काम के लिए कोई रिश्तेदार नहीं होते हैं। इस काम के लिए कोई भी मेरा तेरा नहीं होता। नीच उच्च कोई भी कुल नहीं देखा जाता। ये काम एक ऐसा शार्दूल है जो सबको खा जाता है, एक ऐसा जानवर है। और इस जानवर की चपेट में जो आ जाता है वो जानवर की तरह ही फिर काम करता है। शार्दूल की उपमा दी आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में इस काम भाव को। वह शार्दूल की तरह ही झपटता है, किसी भी तरह से उसका शिकार करने के लिए तत्पर होता है। और ये काम भाव के माध्यम से हर व्यक्ति किसी ना किसी का शिकार करता रहता है। हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं कभी नहीं मान सकता कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमें लगता है हम मंदिर में आकर के पूजा करते हैं, हम आकर के स्वाध्याय सुनते हैं, हम पारस कथा सुन रहे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता आप सब बहुत अच्छे हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं। जिस व्यक्ति ने इस काम भाव को समझा, इस काम भाव को कंट्रोल करने का विचार किया, बस वही व्यक्ति अच्छा है। और जो इसकी चपेट में आ गया, अपनी मर्यादाएं खो दी, अपने नियंत्रण खो दिए, उस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व खो दिया। जिस व्यक्ति ने इस काम भाव को नियंत्रित करने के लिए केवल अपना स्त्री तक अपना संबंध रखा, वह भी आदरणीय है। लेकिन इस काम भाव का नियंत्रण न रखने पर जिसने किसी को भी अपना शिकार बना लिया, वह व्यक्ति हमेशा पतित मानव माना जाता है, वह अधोगति का पात्र होता है। यह एक इतना बड़ा दुर्भाव है कि आज इस दुर्भाव की चपेट में हर व्यक्ति आ रहा है, चाहे मनुष्यों में नर हो या नारी हो, हर व्यक्ति इसकी चपेट में है। आप सोचें कि क्या वह काम भाव हमें इतना गिरा सकता है कि हम अपने घर की छोटी, जिसे हम भाभी कहते हैं, छोटी बहू की तरह होती है, पुत्री की समान होती है, वह लघु भ्राता की स्त्री को भी वह कुदृष्टि से देख करके उसको अपने साथ में रमण करने का विचार कर लेता है। और वो विचार ही नहीं कर लेता है, वह आगे कुछ काम भी करना शुरू करता है। क्योंकि जब विचार हावी हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपने आप को उससे बचा नहीं पाता है। ये विचार ऐसे होते हैं जो आदमी के अगर सिर चढ़ करके बोलते हैं तो फिर आदमी उससे अपना नियंत्रण खो देता है। और इन काम विचारों से जो व्यक्ति अपने नियंत्रण में रहता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, अपने मनोभावों को नियंत्रित करता है, वही घर की मर्यादा को बना करके रख सकता है, वही समाज की मर्यादा बना करके रख सकता है, और वही भारतीय संस्कृति की मर्यादा बना करके रख सकता है। इस भारतीय संस्कृति की मर्यादा जब भी टूटी है, स्त्री के इस प्रकार के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के कारण ही टूटी है। चाहे वह रामायण की कथा हो, चाहे महाभारत की कथा हो, और चाहे पार्श्वनाथ भगवान की कथा हो।
रामायण की कथा में वह रावण ने सीता का अपहरण किया, महाभारत की कथा में द्रौपदी को भरी सभा में खींच करके दुशासन लेकर के आया, और ये पार्श्वनाथ भगवान की कथा में यह कमठ अपनी ही छोटी बहू के समान, बेटी के समान भाभी के साथ में यह दुर्व्यवहार करने का यहाँ विचार कर रहा है, और उस विचार से वह भूल गया कि मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। और उस समय पर उसके अंदर जब ये कुछ भी समझ नहीं आता तो इसका कारण क्या है, कहा जाता है पाप कर्म को डर नहीं, नहीं लोक की लाज, कामी जन की रीति यह दिक तिस जन्म अकाज। ये काम की रीति है। क्या रीति है? जिस व्यक्ति को काम भाव सवार हो जाता है उसके मनोमस्तिष्क पर, उसे कभी पाप कर्म का डर नहीं रहता। ये पाप है उसे समझ ही नहीं आता, उसे पाप और पुण्य की व्याख्याएं सब गलत लगती हैं। उसे लगता है मेरे मन में जो भाव आ रहा है बस मैं उसकी पूर्ति कर लूं, इसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा। उसे किसी भी तरह के पाप का कोई डर नहीं सताता, और उसे ये भी ध्यान में नहीं आता कि लोक में इसकी कितनी निंदा होगी। जब पता पड़ेगा किसी को तो वह हम भी दंड के भागी बन सकते हैं, और हमारे अंदर फिर कितना अपमान का दंश हमें सहन करना पड़ेगा। उससे लोक लाज की भी कोई डर नहीं रहता। ये काम भाव लोक लाज की मर्यादाओं को छुड़ा देता है। आप देखते हैं जब हमारे ही घर में किसी बच्चे या बच्ची के अंदर इस तरह का काम भाव उत्पन्न हो जाता है तो पहले तो वह बच्चा बड़े रेस्पेक्ट के साथ अपने माता पिता के साथ में बात करता है, लेकिन जब उसके पास इस तरह का कोई भी काम भाव उसके अंदर आ जाता है तो वह अब बच्चा फिर कुछ भी नहीं सोचता। माता परेशान हो, पिता परेशान हो, माँ रो रही हो, पिता समझा रहे हो, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वह इस बात की भी चिंता नहीं करता कि हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोक मर्यादाएं क्या हैं, क्या जाति है, क्या स्टेटस है, क्या हमारा कर्तव्य है क्या नहीं है, इसके लिए उसे कोई भी तरह की बात उसके दिमाग में नहीं आती, और वह हर किसी का अपमान करने को तैयार हो जाता है। लोक लाज, लोक मर्यादाएं, समाज की बातें उस सब ताक पर रख देता है, जिसको जो कहना है कहता रहना, जिसको जो करना है करते रहना, समाज में अगर किसी को दंड देना है देते रहना, अब तो वो भी नहीं है। इसलिए अब कोई डर नहीं है, इसलिए अब ये काम बड़े आसान तरीके से होते हैं। यहां तो आपको फिर भी दिखाया जाएगा कि जब आदमी के अंदर थोड़ा सा डर रहता है तो वो डर के करता है, अब आदमी के अंदर कोई डर नहीं है। अगर पता पड़ जाता है तो वह किसी भी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अगर उसके लिए यह लगता है कि यह हमारे दबाव में है और यह किसी से कुछ नहीं कहेगा या नहीं कहेगी, तो वह उसके साथ में अपना दुर्व्यवहार कर ही लेता है, और बहुत से लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं इस बात से कि अगर पता पड़ जाएगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी। ऐसी बहुत सी बेटियाँ, बहुत सी बहुएँ जो विवाह से पहले भी इस तरह के कृत्य कर चुकी होती हैं, लेकिन उनके मनोमस्तिष्क में ये सब चीज़ें छाई रहती हैं, तो उनके अंदर एक बहुत भीतर से परेशानी हमेशा बनी रहती है, लेकिन उस परेशानी से वो निकल नहीं पाते, क्योंकि उनके द्वारा किया हुआ कोई भी तरह का इस तरह का दुष्पाप, चाहे वो उनकी मर्जी से हुआ हो या बिना मर्जी से हुआ हो, वह उनके लिए जीवन भर पीड़ित करता है। और कुछ लोग तो इसी कारण से अपना सुसाइड तक कर लेते हैं, जिन्हें
इस तरह के भावों से पीड़ित होने के उपरांत अपने अंदर एक पश्चाताप आता है। वह पश्चाताप का भाव उन्हें उस पाप से बचा सकता है, बचा ले जाता है। लेकिन जिन्हें पश्चाताप ही नहीं आता, उनके अंदर वह पाप भाव उन्हें दुर्गति का कारण बना देता है। कई बार ऐसा होता है, आपको मैं कहने में कोई भी संकोच नहीं कर रहा हूं, कई बार मुझे देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आप सावधान रहा करें, आपके घर हैं, परिवार हैं, बेटियां हैं, बेटी जब बड़ी होती है उसके ऊपर दृष्टि आपके घर के किसी भी सदस्य की पड़ सकती है, आपके रिश्तेदार की पड़ सकती है, आपके भाई बंधुओं की भी पड़ सकती है, और वह आपके कोई दोस्त हैं तो उनकी भी पड़ सकती है। मैंने ऐसी कई घटनाओं को सुना है जिसमें बेटी कहती है कि मैं अपने पापा के दोस्त से परेशान हो गई। किससे? कह नहीं सकती वो न पापा से न दोस्त से, क्योंकि पापा का दोस्त है वो, और वो हमारे लिए कई बार कुछ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है, हमको अलग तरीके से बुलाता है, हमारे साथ अलग तरीके से चेष्टा करने की कोशिश करता है, और जब जब हम घर में अकेले पाए जाते हैं वो हमारे घर में आ जाता है, क्योंकि मैं पापा का फ्रेंड हूं। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं सरेआम इसलिए क्योंकि आप कोई और नहीं है, आप ही पापा हैं और आप सब पापा के फ्रेंड हैं। घर के अंदर इस तरह के कृत्य हो जाते हैं और न पापा को पता पड़ता है, न मम्मी को पता पड़ता है, बेटी सहम करके रह जाती है। जब कभी वह बड़ी होती है, उसे धर्म का ज्ञान होता है, उसे गुरुओं के पास आने को मिलता है, तब उसे प्रायश्चित करने का भाव होता है, तब वह हमें आकर के बताती है, तब हम उसको इस प्रायश्चित के भाव से उसकी आत्मशुद्धि करने के लिए कोई व्रत आदि देकर के उसे उबारते हैं। और इस तरह की घटनाएं जब हम सुनते हैं तो हमें पता पड़ता है कि घरों घरों में ये सब क्या ड्रामा चल रहा है, ये सब घर घर की कहानी। पाप भाव से कोई बचा नहीं, काम का भाव एक ऐसा भाव है जो सबके सिर चढ़ के बोलता है किसकी दृष्टि किसके ऊपर कब कहाँ कैसे किधर किस रूप में पड़ जाए, किसी को पता नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी सुरक्षा करना चाहता है तो वह अपने केवल उसी भाव से कर सकता है कि मैं कभी गलत नहीं करूँगा तो उसकी सुरक्षा हो सकती, गलत नहीं करूंगी। इस तरह का अगर उसके अंदर संकल्प है तो वह संकल्प उसे बचा ले जाता है और उसके लिए वह कुछ भी कर सकती है, अपने पापा को भी बता सकती है, अपने परिवार के लोगों को भी बता सकती है, अपने गुरुओं को भी बता सकती है, अगर उसके अंदर संकल्प है। नहीं तो ज़्यादातर लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं और वह उस कृत्य के शिकार हो जाते हैं। वो लोग कोई और नहीं होते हैं, या तो निकट के रिश्तेदार होते हैं या पापा के दोस्त आदि होते हैं, और वह कोई बहुत दूर के लोग नहीं होते, सब निकट के परिचित लोग होते हैं। ऐसी एक नहीं सैकड़ों घटनाएं हम सुनते हैं, देखते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये काम भाव हर आदमी के लिए एक शिकारी के रूप में देखने को हमें सामने लाता है, और यही शिकार का भाव किसी के लिए उजागर हो जाता है, किसी का उजागर नहीं होता। आप देखें, अगर आप अपने अंदर कोई इस तरह की बैड हैबिट महसूस करते हैं तो उसको दूर करने की कोशिश भी इस तरह के चरित्र को सुनकर के भी होगी। इस तरह के चरित्र से आपके अंदर बैड हैबिट बढ़ेगी नहीं, दूर होगी। क्यों दूर होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कामी काज अकाज में हो है अंध अदे अवेव, मदन मत मद मत सम जरो जरो यह टेव, पिता नीर पर से नहीं दूर रहे रवियार, ता अंबुज में मूड अली उरजी मरे अवी
विचार त्यों ही कुविशन रत पुरुष होय अवस अविवेक हित अनहित सोचे नहीं ये विसन की टेक। यह व्यसन की टेक है कि वह मदन मत मद मत की तरह आचरण करने लग जाता है और उस समय पर वह कुव्यसनों में रत हुआ अपने विवेक को खो देता है। विवेक को खो देना इसी को बोलते हैं, क्या सही क्या गलत ये जिस समय पर हम भूल जाएं उसी समय को हम अविवेक कहते हैं। और इस तरह का अविवेक उसके अंदर पैदा होता है कमठ के अंदर, तो फिर क्या होता है वह अपनी चेष्टाओं को आगे बढ़ाता है। बन में सगन लता ग्रह जहां गयो कमठ कामातुर तहां बड़ी वेदना गल नहीं पड़े छिन छिन काम व्यथा दुख करे कमठ सखा कल हंस विशेख पूछत भयो दुखी तिह देख कौन व्याधि उपजी तुम अंग अति व्याकुल दीखत सर्वंग तब तिन लाज छोरी सब सही मन की बात मित्र सो कही सुनी कल हंस कथा विपरीति शिक्षा वचन कहे कर प्रीति अति अजोग कारज इह वीर सो तुम चिंत्यो साहस धीर पर नारी सम पापन हान पर भव दुख इह भव जस आन इस ही वांछा सो अग भरे रावण आदि नरक में परे जग में जेठ पिता समतोल बात कहत लाजे नहीं भूल ताते यह हट भूल न करो सुहित सीख मेरी मन धरो लोक निंद कारज यह जान धर्म निंद निहचे कुरान। यह कमठ के मन के अंदर जब भाव आया तो वह एक वन में गया जहाँ पर सघन लताओं का ग्रह था और वहीं पर वह कामातुर होकर के बैठ गया। उसके अंदर चैन नहीं पड़ रहा था, छिन छिन वह काम व्यथा से क्षण क्षण काम की व्यथा से दुखी हो रहा था। उसी समय पर उसका अपना मित्र आया जिसका नाम कलहंस था। उसने पूछा, मित्र ये क्या है, क्यों तुम इतने उदास और इतने चिंतातुर और इतने दुखी हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत व्याकुल दिख रहे हो, पूरा अंग अंग तुम्हारा ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बुखार से तप्त हो रहा हो, और कौन सी तुम्हारे अंदर ऐसी वह व्याधि उत्पन्न हो गई है जिसके कारण से तुम्हारा ये मन तन सब कुछ बिगड़ गया है। तब उस कमठ ने लाज छोड़ करके मन की बात अपने मित्र से कह दी। ऐसी बातें कहने में भी लाज आती है, किनको, सज्जनों को। और ये कहा गया है कि सज्जन पुरुष इस तरह की बातें कहा भी ना करें, लेकिन जिनके अंदर लाज नहीं होती है वह किसी भी तरह की बात किसी से भी कह सकते हैं। और उन्होंने कह दिया, कलहंस नाम के उस मित्र ने जब सुना तो उसने कहा ये तो बहुत विपरीत बात है। अब वह अपने मित्र को समझाता है और कहता है कि हे भाई, हे मित्र, तुमने ये इतना बड़ा विचार कर लिया, ये तो तुम्हारे साहस और धीर की बहुत ही विपरीत दिशा है, और ये तुमने जो चिंतन किया है इससे तो तुम्हें इस भव में भी दुख मिलेगा, परभव में भी दुख मिलेगा। आप ये ध्यान रखें कि इसी वांछा के कारण से, इसी काम भाव के कारण से रावण आदि की दुर्गतियां हुई हैं। इस तरह का भाव मेरे मित्र, मेरे सुहृद, तुम्हें करना उचित नहीं है। यह कार्य लोक में बहुत निंदा का कार्य है और धर्म तो कहीं से कहीं तक इस कार्य में है ही नहीं। धर्म की भी निंदा होगी, लोक की भी निंदा होगी, समाज में भी निंदा होगी, हर तरह से तुम्हारी निंदा होगी, तुम उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगे। लेकिन उस कलहंस की बात को कमठ
समझ नहीं पाया और कलहंस भी उसको समझा नहीं पाया, क्योंकि उस कमट का जो दुर्भाव था वह बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ था। आगे, यो कलहंस अनेक विध दई सीख सुख देन, ते सब कमट को सील प्रति भय विफल हित वेन। देखिए, बहुत अच्छी उपदेश की बात है, ये दोहा आप लोग याद रखना, अपने मोबाइलों में रिकॉर्ड कर लेना और अपने पास रखना। आयुहीन नर की को जथा औषध लगे नलेश, क्यों ही रागी पुरुष प्रति व्यथा धर्म उपदेश। कहते हैं, जिस व्यक्ति की आयु पूरी होने वाली हो, मृत्यु जिसके निकट हो, उससे फिर किसी भी तरह की आप दवाई कराओ, किसी भी तरह के इंजेक्शन लगवाओ, किसी भी तरह की औषधि दो, उससे उसको कोई सुधार नहीं हो सकता है। सुन रहे हो, जब किसी भी तरह की दवाइयों से कोई सुधार ना हो तो समझ ही लेना चाहिए कि आयु अब पूरी होने वाली है। उसे कहीं ना कहीं धर्म भाव में लाना चाहिए और उसे आत्महित का उपदेश दे करके, उसे शरीर से विरक्त करा करके, उसे आत्महित के लिए और ले जाना चाहिए परभव के लिए। यह भी एक चिन्ह है आयुर्वेद के हिसाब से, जीवन और मृत्यु को समझ करके अपने जीवन को समाधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का, यह भी एक चिन्ह है। ये चिन्ह भी याद रखो, जब कोई दवाई काम ना करे, जब कोई डॉक्टर कह दे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो उस जीव को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे उसकी आयु कितनी भी क्यों ना हो, 21 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो चाहे 120 वर्ष हो, हर व्यक्ति के लिए यह उस समय पर विचार करना उचित है कि अब हमें इस समय पर इस शरीर से अपना ममत्व छोड़कर आत्म कल्याण करना, आत्म भावना करना और इस शरीर के रोगों पर ध्यान न देकर अपने आत्मा की स्वस्थता पर ध्यान देना। जब उसके लिए कोई औषधि नहीं लगती, उसी तरह से यहां कहा जा रहा है, जो रागी होते हैं, कामी होते हैं, उन्हें किसी भी तरह के उपदेश अच्छे नहीं लगते। ऐसे कई बच्चे आते हैं, माता पिता उनको लेकर के आते हैं और उन बच्चों को देख करके मैं विचार करता हूं कि बच्चा मेरी सुन पाएगा कि नहीं सुन पाएगा। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते, लेकिन माता पिता उन्हें जबरदस्ती घसीट के ले आते हैं, बिठाल देते हैं, कहते हैं बेटा महाराज को नमोस्तु कर ले। बहुत कहने पर नमोत्तु नमोस्तु कर लिया उसने नमोस्तु। फिर उसके उससे कहते हैं बेटा महाराज से थोड़ी सी बात कर ले। क्या बात करना? मुझे कुछ नहीं बात करना, मुझे कुछ नहीं बात करना। क्यों नहीं बात करना? मैं समझ जाता हूं कि इसके ऊपर कोई दूसरा नशा चढ़ा हुआ है। मैं कहता हूं आपके लिए ये बहुत ही अच्छे, अपने बच्चों को एग्जामिन करने के बहुत अच्छे परीक्षण है ये। बच्चा अगर आपका मुनि महाराज के पास आ सकता है, साधु की संगति में उसको इंटरेस्ट आ सकता है, तो समझ लेना बच्चा अभी सही राह पे चल रहा है, ठीक है। अब ये कहीं बच्चा ना सुन ले, नहीं तो फिर वो भी ये कहीं फ्रॉड करने लग जाए। फिर भी उसके चेहरे को देख करके हम समझ सकते हैं। और अगर वह बच्चा किसी भी तरीके से आंखें बचाने लग जाता है, नजर चुराने लग जाता है, तो मैं समझ लेता हूं कि ये कहीं और मूड में है। और ज्यादातर ऐसा, जब मैं किसी ना किसी उपाय से उस बच्चे से बात कर लेता हूं, तो मुझे पकड़ में आ जाता है कि हाँ यह किसी और मूड में है और किसी सेंस में यह अपने आप को चला रहा है। यह एक ऐसी मनोदशा है जो बिल्कुल यहां पर उचित रूप से लिखी हुई है, जिसके अंदर काम का भाव तीव्र होगा वह कभी भी मुनि महाराज की संगति करने का भाव नहीं करेगा। ये बात अलग है, कभी ऐसा भी होता है कि काम भाव में कुछ वह गलत कर गया, लेकिन वह उसके मन का भाव नहीं था, वह परिस्थिति बस हो गया, तो वह बच्चा भी आकर के बाद में प्रायश्चित लेता है, कहता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई, वो फिर भी ठीक है। लेकिन जो उस काम भाव में रहता है और अपना मनोभाव बदलना नहीं चाहता, उसे कितना भी समझाया जाए वह समझता नहीं है।
दोनों तरह के बच्चे देखने को मिलते हैं। कभी समझाने पर समझ भी जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझाने पर समझते नहीं हैं। उनके माता पिता कहते हैं, महाराज इसने किसी और से अपना विवाह करने का मन बना लिया है, वह मांसाहारी हैं, उनके घर का चाल चलन अच्छा नहीं है, लेकिन उसे कुछ भी सुनने में से नहीं आता और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सब ऐसे राग की तीव्रता का परिणाम होता है। इसलिए यह भाव आप लोग जो सुन रहे हैं वो सुनना भी तभी हो सकता है जब आप में इस तरह के राग भावों की कमी होगी। जिनके अंदर राग की तीव्रता होगी वो इस तरह का विचार भी नहीं ला सकते हैं और धर्मसभा में बैठ भी नहीं सकते हैं और सुन भी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं धर्मसभा में बच्चों को लाया करो। बच्चे अगर एक बार धर्मसभा में आ गए, एक बार मुनि महाराज के सामने बैठ गए, तो मैं आपके लिए इतना श्योर करता हूं वह बच्चा अगर कभी गलत भी कर लेगा तो उसका अंत गलत नहीं होगा, वो कभी ना कभी सुधर जाएगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों को पास में लाने की कोशिश करो। शाम के समय पर यहाँ पर बच्चों के लिए बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी जा रही है, ABC, बिल्कुल जैनिज्म की थोड़ी सी पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल हल्की हल्की बातें हैं यहाँ पर। अभी फिर भी हम आपके सामने कोई कथा कह रहे हैं, कोई सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन शाम को, लेकिन आप अपने बच्चों को यहाँ तक नहीं भेज पा रहे हैं। बिल्कुल चुन्नू मुन्नू 6 साल के बच्चे मत भेज देना 3 साल के। ऐसे बच्चे लाओ जो थोड़ा सा अपने हाथ से चल सकते हैं, अपने पैरों से चल करके आ सकते हैं, समझ सकते हैं। 8th से लेकर 12th और कॉलेज तक के भी बच्चे होंगे तो वह यहाँ पर आकर के कुछ पा पाएंगे। आप ये ना समझें कि यहाँ पर केवल बस बड़े लोगों के लिए ही सब कुछ है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। शाम का समय उन्हीं के लिए रिजर्व करके रखा गया है, इसलिए शाम को हम कोई भी बड़े लोगों की कोई भी क्लास नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी बच्चे अच्छी संख्या में शाम को अभी पहुंच नहीं पा रहे। आप लोगों की संख्या तो बहुत अच्छी है, पूरा हाउसफुल चल रहा है। अगर यही बच्चों के साथ भी हो जाए तो शाम के समय पर चाहे वह किसी भी 2 दिन आप प्रयास कर लें, सैटरडे संडे भी अगर आप प्रयास कर लें तो भी उन बच्चों के लिए एक लाभ मिलेगा, और वह लाभ ही हमारे इस धर्म की पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म को सही राह पर चलाने के लिए काम आएगा। ऐसा लाभ लेने के लिए आप तत्पर रहें, और किसी भी तरह से आप अपने मन में अगर कोई भी क्लेश पाते हैं, दुख पाते हैं, तो उन दुखों को दूर करने के लिए भी भगवान की कथा तो चली रही है, भगवान की भक्ति करने का एक अलग से भी प्रोग्राम हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। ये भगवान की भक्ति चल रही है, और भगवान की भक्ति के साथ में भगवान की कभी कभी पूजा करना, कभी कभी भगवान के गुणानुवाद करने में अपना समय निकालना, यह भी आपके लिए थोड़ा सा बताने का भाव है। और इसके लिए आप देख रहे हैं हम भगवान पार्श्वनाथ की कथा तो कर रहे हैं, लेकिन ये कथा किससे सुन रहे हैं, किससे सुन रहे हैं? हमसे सुन रहे हो? अरे हम भी कहां से सुना रहे हैं? भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में भगवान वर्धमान स्वामी के माध्यम से ये कथा अतिक्रम करेंगे, वह भी भगवान महावीर स्वामी के स्मरण के साथ होनी चाहिए, और वह भगवान महावीर स्वामी के ही भक्ति और उनके पूजन के भाव के साथ में होनी चाहिए। क्योंकि हमने आपसे कहा था वीर शासन जयंती से लेकर दीपावली तक ही यह चातुर्मास चलता है, और इस पूरे चातुर्मास में भगवान महावीर स्वामी का ही प्रभाव आपके अंदर आना चाहिए। अगर आप पार्श्वनाथ भगवान की कथा भी सुन रहे हैं तो किससे? भगवान महावीर स्वामी के मुखारविंद से सुन रहे हैं। ऐसे भगवान वर्धमान स्वामी का अगर कल आप लोग गुणगान करने के लिए भी उपस्थित होते हैं तो हमें लगेगा कि आप लोग जो स्थापना करने जा रहे हैं वह वर्धमान भगवान के उस वीर शासन जयंती से लेकर या स्थापना दिवस से लेकर के पूरे भगवान के निर्वाण दिवस तक आप वर्धमान भगवान के शासन काल की प्रभावना करते रहेंगे। इसलिए कल सुबह वर्धमान स्तोत्र के माध्यम से आपको भगवान की भक्ति भी करना सिखाया जाएगा,
और ये भक्ति एक ऐसी चीज होती है जिसके माध्यम से अपने आप अपने अंदर ये काम और क्रोध के भाव शांत हो जाते हैं। वर्धमान भगवान की भक्ति में ये लिखा हुआ है। वह भक्ति क्या करती है? वह हमारे अंदर वह काम क्रोध के भावों को शांत करती है, इसी का नाम भक्ति है। ऐसी है भगवान की भक्ति, हमारे इन काम क्रोध के भावों को शांत करे। आप देख रहे हैं कि इस कमठ के अंदर का काम भाव कितना बढ़ा चढ़ा है, और यह कमठ उस मित्र की बात को भी सुनकर के अनसुना कर देता है। बोलियो तब कामी कमठ, सुनो मित्र निर्धार, जो नहीं मिले विषंदुरी तो मुझ मरन विचार। ये कामी की दशा है, मरना पसंद है उसे, मरना उसके लिए आसान है, लेकिन वह लोक निंदा के अपवाद से अपने आप को बचा नहीं सकता है। देख कमठ की अधिक हट, कुमति करी कलहंस, जाय कहे तानारिशों झूठ वचन अपसंस। जब उस कलहंस ने देखा कि ये कमठ मान नहीं रहा है तो क्या करें, मित्रों का काम यही होता है। सुन रहे हो, ऐसे कई बच्चे मेरे सामने आते हैं। हम उस पीजी में रहते थे, मेरे साथ में बहुत सारे फ्रेंड, 3-4 फ्रेंड का हमने एक फ्लैट ले रखा था, उसमें वो सब लोग रहते थे, रोजाना ड्रिंक करते थे। एक दिन उनने हमसे कहा, हमने मना कर दिया, नहीं किया, 2 बार कहा, 3 बार कहा। मुझे जब उनसे काम पड़ा तो उनने कहा कि तुम मेरा काम नहीं करते हो, तुम मेरे साथ नहीं आते हो, तुम मेरे साथ एंजॉय नहीं करते हो, हम भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने उनका मनोभाव रखने के लिए एक बार उनके साथ में भी ड्रिंक कर लिया। किसके लिए? फ्रेंड के लिए। बस ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे भी, और क्या हो रहा है। उस कलहंस ने अपना मन फिर क्या कर लिया, ठीक है मित्र तू नहीं मानता है तो मैं तो तेरा ही मित्र हूं, तेरे लिए सहयोग करता हूं। तो उसने अपनी बुद्धि को भी कुमति बना लिया और फिर उस नारी से जाकर के जिसका नाम विसुंदरी था उससे झूठे वचन कहता है। सुन विसुंदरी आज कमठ बन में दुखी, तू ताकि सुध ले हो जी विद सुखी। सुनते ही सतभाव गए बन में तहा, निव से कर पंचुंच कमट कपटी जहा। उस समय पर उसने उस विसुंदरी से कहा, देखो आज कमठ वन में बैठा है, बहुत दुखी है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, भाई भी उसका चला गया है राजा के साथ में, वह दुखी है, किसी भी तरह की पीड़ा से पीड़ित है, बुखार आ रहा है, जाकर के उससे पूछ तो ले उसका हालचाल क्या है। चली गई और वह उस कमठ कपटी के भाव को न समझ पाई। तो उस समय पर वह जाने के बाद में छल बल कर भीतर लई, वनिता गई अजान, राग वचन भाखे विविध दुराचार की खान। और इस तरह से उस कमठ ने उस अपनी ही भाभी को उस अनजान एक वनिता के साथ में ऐसा भाव कर दिया जिसके कारण से उस कमठी ने अपने मन का मनोभाव तो पूरा कर लिया, लेकिन यह बात फिर दुनिया में छिपी नहीं, क्योंकि पाप कभी भी छिपता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। कितने ही उपायों से वो पाप किया जाए, वह पाप सबके सामने आ ही जाता है। और ये आप देखते हैं दुनिया में लोग बड़े बड़े पाप बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, सुनियोजित तरीके से करते हैं, लेकिन वह सामने आ ही जाता है। अब जब उस कमठ ने पाप कर ही लिया तो उस पाप के परिणाम स्वरूप उस कमठ की क्या दशा होती है, आगे क्या होता है, यह आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। भगवान पार्श्वनाथ की इस कथा में आपको जो अच्छा लग रहा है वह भी ग्रहण करना है, और जो हमारे लिए हेय है उससे भी बच करके रहना है। इस तरह से अपने जीवन को आनंदित बनाना है। 5 क्लैपिंग के साथ में इस सभा का समापन करना है।
ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल ओम अरहम। पहले अपनी उंगलियों के अग्रभाग को अपनी उंगलियों से ले इसको बोल। दूसरी क्लैपिंग अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके ठोंकना है ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओ। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। तीसरी क्लैपिंग अपने उंगलियों के नीचे जो पर्वत बने उन पर्वतों को पर्वतों से ठोंकना है ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओ। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। और चौथी क्लैपिंग में अपनी हथेलियों के नीचे के हिस्से को और साइड के हिस्से को ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल। और पांचवी क्लैपिंग पूरी ताली ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तो पहले इसको बोल ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान।